पीने के पानी के लिए कुआं है और काफ़ी पुराना कुआं है और इसका पानी काफ़ी मीठा है और नेचुरल एकदम जो पहाड़ों से निकल के आता है वो पानी इसमें है। और अभी मैंने इसमें से पानी निकाल के पिया है और मीठा पानी है और तमाम मिनरल्स इस पानी में हैं। जो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अंसारी, आप देख रहे हैं टीम अंसारी चैनल। आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ हज़रत अली बाबा रहमतुल्लाह अलैह साहब की दरगाह शरीफ पर। अभी मैं अजय नगर पर हूँ, अजय नगर से ये देख लीजिए आप, यही रास्ता अजय नगर जाता है और यही बड़े वाले बाबा की तरफ जाता है जिसकी वीडियो मैंने पहले बना के अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल में जाके वीडियो आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको जाऊँगा और आपको पूरी जानकारी दूँगा, यहाँ का रास्ते का व्यू भी आपको दिखाऊँगा और पूरी जानकारी हमें देंगे सैयद साबिर अली चिश्ती। सैयद साबिर अली चिश्ती तो हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह साहब के खादिम साहब हैं, गद्दी नशीन हैं, वही हमें पूरी जानकारी देंगे। तो चैनल को आप स्किप ना करें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। जिस दरगाह पर अपन जा रहे हैं वहाँ पर उसको सांप वाली दरगाह भी कहते हैं, वहाँ पर सांप बिच्छू वगैरह आते रहते हैं बरसात के अंदर, इसलिए उसको सांप वाली दरगाह भी कहते हैं। वो एक पहाड़ी के ऊपर है, वहीं पर मैं आपको लेके जाऊँगा और पूरा वहाँ का व्यू भी दिखाऊँगा। मैं आपको बता दूं, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ दरगाह शरीफ से रिलेटेड ही होती है। हमारे चैनल पे जितनी भी वीडियो है सब दरगाह रिलेटेड ही है। ट्विन अंसारी चैनल, हमारे चैनल का नाम ट्विन अंसारी है, आप उस पर जाके तमाम ज़्यारतें कर सकते हैं। दरगाह शरीफ के अजमेर के अंदर तमाम जो मजार शरीफ है उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है और जो आप लोगों का सहयोग से हमें जो न्यूज़ मिलती है कि आप वहाँ जाइए वहाँ की वीडियो बनाइए, वहाँ पर कोशिश होती है कि आपको ज़्यारत करा सकें। तो आपको भी कोई अगर ऐसी दरगाह जानते हो जिसके बारे में हमें नहीं पता हो, आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं ताकि हम आपको वहाँ की भी ज़्यारत करा सकें। हमारा मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ अजमेर शरीफ की दरगाह शरीफ से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहे हैं, हमारा मतलब ये है कि हम तमाम ज़्यारतें आपको कराते रहें। जब अजमेर शरीफ के अंदर सारी ज़्यारतें पूरी हो जाएंगी तो हम बाहर भी जाएंगे और आपको वहाँ की भी ज़्यारत कराएंगे। वो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कर सके, जिन्होंने हमारे वीडियो द्वारा ज़्यारतें नहीं करी है मजार शरीफ की वो ज़्यारतें कर सकें। ये जो रास्ता देख रहा है तारागढ़ जाता है, तारागढ़ की अभी हमने वीडियो अपलोड नहीं करी है, नहीं यहाँ की भी वीडियो बनाई है। अभी हम जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं हज़रत अली बाबा रहमतुल्लाह साहब की दरगाह शरीफ पर, यही रोड वहाँ पर जाता है। यहाँ की वीडियो मैं पहले अपलोड कर सका हूँ, यहाँ पर दरगाह शरीफ है बड़ वाले बाबा की, ये बड़ वाले बाबा की दरगाह है। ये पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप अगर नहीं देखी तो मेरे भी चैनल में जाके मीटिंग अंसारी में जाके वीडियो देख सकते हैं। और ये रोड जा रहा है अली बाबा रहमतुल्लाह साहब की दरगाह शरीफ पर। और जो दरगाह आप ये देख रहा है मुराद अली शाह की है, मुराद अली शाह रहमतुल्लाह साहब की दरगाह शरीफ, यहाँ की भी मैं वीडियो अपने चैनल ट्यून अंसारी पर अपलोड कर चुका हूँ। अभी चल ही रहा है, काफ़ी पथरीला रास्ता है, गाड़ी घोड़े या कुछ नहीं आ सकते हैं, पैदल ही आना पड़ेगा। दरगाह शरीफ हम भी पहली बार जा रहे हैं, आप लोगों की फरमाइश पे कि आप वहाँ जाइए वहाँ की ज़ियारत कराइए, काफ़ी अंदर है। ये रास्ते से जाना है अभी हमें और अभी हम इधर से आए। शायद आ चुके हैं, शायद ये है क्या, यहाँ पे नहीं है, शायद ये नहीं है। यहाँ भी एक मज़ार है लेकिन बता रहा है ये मज़ार वो नहीं है, याली नहीं है, वो ऊपर है कहीं बता रहे हैं, चोटी पे है बता रहे हैं। तो आप साबिर भाई हमें सारी जानकारी यहाँ पे देंगे, यहाँ तक तो हम आ चुके हैं, इसके आगे भी दरगाह शरीफ का रास्ता ही बाकी है। अब साबिर भाई यहाँ से हमें आगे की जानकारी देंगे, तो चलते हैं साबिर भाई के पास। ये साबिर भाई खड़े हुए तैयारी कर रहे हैं और उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं सैयद साबिर अली चिश्ती दरबार ख्वाजा सरकार से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को हुजूर करीम नवाज के सदक़ा तुफैल अपनी हिफाजत में रखे, अपनी पनाह में रखे और तमाम बुरी बीमारियों से और ज़मीनी आसमानी बलाओं से आपको आपकी हिफाजत फरमाएं और हुजूर गरीब नवाज आपको अपने करम के साए में रखें। तो दोस्तों जैसा कि हमने बता रखा है, जैसा हमारा मिशन है आप सब लोग बखूबी जानते हैं
और इतने वीडियोस हमने हमारे चैनल पे डाल चुके हैं, तो हमारे मिशन से आप बखूबी वाकिफ़ हो गए हैं कि हम आपको तमाम बारगाहों की, अल्लाह के वलियों की और बुज़ुर्गान दीन की बारगाहों की ज़्यारत और हाज़िरी करवाते हैं अपने वीडियो के ज़रिए। तो आज हम आए हैं एक अली बाबा रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अली बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। जैसा कि हम आपको अपने वीडियो में पहले हाज़िरी करा चुके हैं, हज़रत सैयद तकी नकी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह की, उसी के आगे से रास्ता इधर आता है, सोमलपुर गांव में, सोमलपुर गांव के वहां से उस पीछे की तरफ से ये रास्ता है सोमलपुर गांव में से, और पथरीला ही रास्ता है, सड़क वगैरह बनी हुई नहीं है। और इस तरफ जो बरसात होती है तो बरसाती पानी से जो पत्थर बह बह के आते हैं, बड़े बड़े पत्थर पहाड़ से, वो सब उसी पत्थर जमा हो गए हैं रास्ते में, और वो रास्ता है ये, और दरगाह पे जाने का रास्ता यही है। तो अभी हम आपको वहाँ पे लेके चलेंगे और इंशाल्लाह वहाँ पे हाज़िरी कराएंगे। और रास्ते में यहीं पे जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे एक कुआँ भी है जो अभी मैंने इसका पानी पिया है, यहाँ से पीने के पानी के लिए ये कुआँ है और काफ़ी पुराना कुआँ है, और इसका पानी काफ़ी मीठा है और नेचुरल एकदम जो पहाड़ों से निकल के आता है वो पानी इसमें है, और अभी मैंने इसमें से पानी निकाल के पिया है और मीठा पानी है और तमाम मिनरल्स इस पानी में हैं, जो कुदरती नेचुरल मिनरल्स होते हैं पानी में वो सब इसमें हैं, और पीने में मीठा है एकदम। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं। तो अभी हम मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं हम अली बाबा की दरगाह के एकदम करीब पहुंच चुके हैं, और अभी अंदर चलते हैं, अंदर चल के इंशाल्लाह आपको हाज़िरी करवाते हैं और देखते हैं दरगाह शरीफ कैसा बना हुआ है। दरवाजे हैं, ये भी हम पहुंच चुके हैं अली बाबा की मज़ार पे, जैसा कि आप देख सकते हैं ये मज़ार शरीफ है अली बाबा रहमतुल्लाह अलैह का, यहाँ पे आप लोग हाज़िरी कर सकते हैं हमारे वीडियो से और अपना सलाम पेश कर सकते हैं। तो अभी दुआ करते हैं, यहाँ पे फातिहा खानी करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुज़ूर पाक सरवर कायनात, ख़ास खुलासा मुजदाद अफ़ज़लुल मख़लूक़ात, सैयदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबीन, रसूल रब्बिल आलमीन, हबीब इलाह, तबीब इल्लत गुनाह, अहमद मुस्तफ़ा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा बसफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ुतबतुल औलिया, बुरहानुल असफ़िया, सिराजुल मिल्लत वद्दीन, इमामुल मुत्तकीन, मुकर्रबे बारगाह रहमान, हुज़ूर ख्वाजा ख्वाजगान, हज़रत ख्वाजा उस्मान हारून कुसलज़ी, हज़रत सुल्तानुस सालिकीन, बुरहानुल आशिकीन, ताजुल मुकर्रबीन वल मुहक्किकीन, बंदगी हज़रत कुतुबुल अफ़ताब, हुज़ूर ख्वाजा ख्वाजगान, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मुल अजमेरी कुसलज़ी, जमीआल औलाद में वालदैन शरीफान, मुरीदान ख़ानदान, चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया और सरवर्दिया, बतुफ़ैल हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब जल मुकम सलाद मिन ज़ुर्रियत रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब बना फिल्ली वाले वाले दैया वाले मोमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, रब बना आतैना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरात हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, व क़िना अज़ाबल क़ब्र, व क़िना अज़ाबल हश्र, व क़िना अज़ाबद दैन, रब बना ला तजअलना फितनतन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, व नजिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन, रब बना अलैका तवक्कलना व अलैका अनबना व अलैकल मसीर, रब बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम, रब इरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब बना ला तुआखिज़ना इन नसीना वख्ताना, रब बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहू अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़ता लना बिही, वाफु अन्ना वाग़फिर लना वरहमना अंता मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातन व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वहदिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाह। तो दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो के ज़रिए अपनी हाज़िरी कर सकते हैं, सलाम पेश कर सकते हैं और फातिहा खानी कर ली है। जैसा कि मैंने बताया था, काफ़ी ख़ूबसूरत जगह पर ये दरगाह बनी हुई है और चारों तरफ पहाड़ हैं, चारों तरफ आप देख सकते हैं, चारों तरफ पहाड़ हैं और पहाड़ के बीचों बीच ये जो मज़ार मुबारक है, ये दरगाह है, ये एकदम पहाड़ के बीच में बनी हुई है,
और जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरफ से भी काफ़ी, आप उस तरफ देखिए ऊपर पहाड़ से काफ़ी, जब बारिश का वक्त होता है तो काफ़ी पत्थर आते हैं, लेकिन इस तरफ पत्थर नहीं आ पाते हैं दरगाह की तरफ। वालेकुम अस्सलाम। और अभी इस तरफ दीवार वगैरह भी बना रखी है, आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर हैं जो बारिश के पानी के साथ, जब पानी बहता है तो उसके साथ बहकर आ जाते हैं और ये नीचे तक जाते हैं गांव तक। जैसा कि जो रास्ता है वो उसी से बना है, बारिश का पानी जो बहता है उसी के रास्ते से हम लोग आए हैं और यहाँ पे आपको हाज़िरी कराने के लिए। और काफ़ी मतलब मुश्किल से चल के इंसान यहाँ पे पहुँचता है, पथरीला इलाका है पूरा और पहाड़ों के बीच में है। और यहाँ पे ऐसा सुनने में आया है कि जंगली जानवर वगैरह, क्योंकि जंगल का इलाका है, जंगली जानवर वगैरह भी काफ़ी यहाँ पे आते हैं, सांप वगैरह। अमूमन जब जंगल में तो सभी तरह के जानवर रहते हैं, भेड़िए वगैरह भी यहाँ पे आते हैं ऐसा सुनने में आया है, लेकिन वो ऐसा कभी सुनने में नहीं आया कि लोगों को कभी कोई किसी को नुकसान पहुँचाया हो, और अमूमन सब आते हैं। तो आइए चलते हैं नीचे की तरफ, नीचे का क्या नज़ारा है वो भी आपको दिखा देते हैं। इधर आप देख सकते हैं ये धूना है, ये धूना जो होता है मौला अली के नाम से इसको बनाया जाता है और 24 घंटे ये धूना चालू रहता है, इसमें आग जलती ही रहती है क्योंकि मौला के नाम से बनता है और उन्हीं के नाम से लंगर चलता रहता है धूने पे, भले ही वो चाय क्यों ना हो। ये जहाँ पे भी धूना मौला अली के नाम से बनाया जाता है उसका ये कायदा होता है कि उस धूने को चालू रखना पड़ता है और 24 घंटे लंगर चालू रहता है उस धूने पे, बशर्ते वहाँ पे लंगर की शक्ल में चाय ही क्यों ना मिले इंसान को, या पानी ही क्यों ना मिले, या काली चाय क्यों ना मिले। धूने का ये कायदा होता है कि जहाँ पे मौला के नाम से धूना कायम हो जाता है वहाँ से इंसान कुछ ना कुछ उसको लंगर की शक्ल में मिलता ही रहता है, उसको बंद नहीं कर सकते। और उस धूने में आग 24 घंटे जलनी चाहिए, उसमें जलती ही रहती है और उसको धूना कहते हैं। तो ये धूना है यहाँ पे अली बाबा की दरगाह पे, और तमाम जितनी भी दरगाहें हैं जहाँ पे धूना कायम होता है उसका कायदा यही होता है, क्योंकि वो मौला अली मुश्किल कुशा करम वल्लाहु वजहुल करीम के नाम से कायम किया जाता है। और वहाँ पर लंगर जाने वाले को जो भी शख्स धूने पर पहुँचता है उसको कुछ ना कुछ किसी ना किसी शक्ल में लंगर मिलता ही रहता है। आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या है, इस तरफ देख सकते हैं यहाँ पे तामीरात करा रखी है, दीवार वगैरह सब बनी है और पहाड़ के एकदम बीचों बीच ये बना हुआ है। कुछ यहाँ पे इन्होंने पौधे वगैरह भी लगा रखे हैं, केले के पेड़ हैं, यहाँ पे भी एक बड़ का पेड़ है, गाय वगैरह भी यहाँ पे इन्होंने पाल रखी है जिसके दूध वगैरह ये इस्तेमाल कर सकते हैं जो लोग यहाँ पर खिदमत वगैरह करते हैं। और तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए और बारगाहों की हाज़िरी करने के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहें, हमारा मिशन यही है कि जहाँ भी ऐसे बुजुर्गाने दीन की और अल्लाह के वलियों की बारगाहें हैं हम उन आपको उन बारगाहों की उन मज़ारात की आपको हाज़िरी करा सकें। और इंशाल्लाह हम आपको ऐसी ही मज़ारात की, अल्लाह के वलियों की, बुजुर्गाने दीन की बारगाहों की हाज़िरी कराते रहेंगे। और इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई बारगाह में आपको हाज़िरी कराते हुए। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों मैंने आपको ज़ियारत कर दी हज़रत अली बाबा रहमतुल्लाह साहब की दरगाह शरीफ की। यह दरगाह शरीफ हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह साहब की दरगाह शरीफ से 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर है, जो पहले तकीना की सरकार की हमने आपको ज़ियारत कराई थी। वहीं से एक रास्ता कट रहा है, उसी रास्ते से आप थोड़ा आगे आएँगे तो ये आपको दरगाह शरीफ पड़ेगी। काफ़ी ऊँचाई पर है दरगाह शरीफ, काफ़ी ऊँचे थे हम गए थे अभी, और हमारे साहब भी आपको ज़ियारत करके लौट रहे हैं। काफ़ी पथरीला रास्ता है, हमने गाड़ी भी नीचे ही खड़ी करी थी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे हमारे आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट टॉपिक पर नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।